बचा लो, हमें बचा लो, हम आपके, सिर्फ आपके, हम आपका प्यार है, आपकी जिंदगी है, हमने सिर्फ आपके लिए ही जन्म लिया है। ओ, गुरुशी को आखिर उसका पिछला जन्म याद आ ही गया। आप हमें कभी छोड़कर मत जाना, अगर आप चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? ऐसा कह के तुमने हमें पराया कर दिया उर्वशी, अब हम किसके सहारे जी? अरे आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम किसके सहारे जिएंगे? अब मत जाइए। मैं कहां तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं रत्ना? देखो तुम्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया। आप? हाँ रत्ना, मैं तुम्हारा अंबर। आखिर तुम्हें हमारा प्यार याद आ गया? हमें कुछ याद नहीं आया। अभी अभी तो आया था। अरे जो जो आया था वो तो चला गया। तुम्हें रोकिए ना, बिरबल, बिरबल, बिरबल। क्या बात है उर्वशी जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। क्या बात है हमें बताइए। छोड़िए। छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, बस आप हमें अपनी परेशानी बताइए। अरे हमारा रास्ता छोड़िए। हेलो सलीम भाई साहब, मुझे बताओ उर्वशी, आप उनको रास्ता छोड़ने के लिए कह रही हैं, आप हमारी ओर आना चाहती हैं ना? आओ ना, आओ ना, अरे हटो ना, आओ ना उर्वशी। उर्वशी नहीं, रत्ना, मेरी रत्ना। ओहो, तो तुम अभी तक गए नहीं। मैं रत्ना को लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ? मुझे पता है कैसे जा सकते हो, ये आप और ये बिना रत्ना, बस ऐसे चले जाओ, हो गया। और ये तुम्हारी रत्ना नहीं है, ये हमारी उर्वशी है। हमने भी कितनी बार कहा है कि तुम्हारी उर्वशी नहीं, ये हमारी रत्ना है, और इन्हें तो पिछले जन्म का सब याद आ ही गया था, पर ये वापस भूल गई। हाँ तो अब तुम इन्हें भूल जाओ, ठीक है? हम इन्हें भूल जाए ये हो नहीं सकता, और ये हमें भूल जाए ये होने नहीं देंगे। हम इनको इनका पिछला जन्म याद दिलवा के ही रहेंगे। हमें कुछ याद नहीं करना है, छोड़िए। रत्ना, मेरी रत्ना, मेरा प्यार। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा प्यार पुराना हो गया है, लेकिन हमारा प्यार ताजा ताजा है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। अरे सब एक दिन जाने के लिए पैदा होते हैं, शुक्र करो कि अभी हमारी तलवार हमारे पास नहीं है, वरना कब के तुम इस संसार से चले जाते। नहीं, जा बना ने हमसे कहा है कि हम यही रहेंगे, और अब शहजादे सलीम, शाही खून है हम, अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम यहाँ ना रहो। हम रहेंगे तो ठीक है, रहो, लेकिन आज के बाद नहीं रहोगे। अभी हम अपनी तलवार लेकर आते हैं। पिछले जन्म में भी तुम एक राजा के बेटे की वजह से मरे थे ना, इस जन्म में भी तुम एक राजा के बेटे की वजह से मरोगे। तकलिया। ओ, आ, सलीम भाई साहब, तकलिया तो आपको होना चाहिए तलवार लेने के लिए। हा? तकलिया भी होना नहीं आता आपको, तलवार लेने नहीं जाना। मैं बताता हूँ, ये तलवार नहीं है, अब लेने जाना है तकलिया। चलो चलो। तकलिया। रत्ना, 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 ये शहजादे सलीम क्या कर रहे हैं? तो प्यार करने वाले जिन्हें ऊपर वाला एक और जन्म देकर मिलाने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों को ये जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेवकूफ कदे शहजादे को समझाना होगा, और साथ में एक बार इस नौजवान से भी बात करके देखते हैं। याद करो रत्ना, याद करो, अगर तुम्हें पिछला जन्म याद नहीं आया तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं इसी कमरे में जहर खा के मर जाऊंगा, इसी कमरे में, इसी कमरे में मेरी मोहब्बत की मजार बनेगी। रत्ना, मुझे स्वीकार करो, रत्ना मुझे स्वीकार करो। ये नौजवान तो उर्वशी से सच्चा प्यार करता है, जब ऊपर वाला इन दोनों को दूसरा जन्म देकर
मिलाने की कोशिश कर रहा है तो हम इसे मरने कैसे दे सकते हैं? हम इसे इसका प्यार दिलवा कर रहेंगे। सलीम, बेटा सलीम, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? हम बेजान, हम तलवार ढूंढ रहे हैं। तलवार? लेकिन तुम्हारी तलवार तो तुम्हारे कमरे में होगी। हम अपनी नहीं, अब्बा हुजूर की तलवार ढूंढ रहे हैं। अब्बा हुजूर की तलवार? क्यों? क्योंकि हमारी तलवार हमें मिल नहीं रही है अम्मी जान। हमने सोचा क्यों ना अब्बा हुजूर की तलवार से ही उड़ा दें। ओहो, समझ गए हम, तुम्हारे कमरे में वापस से वो चिड़िया आ गई है। इसके लिए तलवार की क्या जरूरत है सलीम? बेटा एक लकड़ी लो, उड़ा दो उसे। अम्मी जान, हम चिड़िया की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस अंबर की बात कर रहे हैं जो हमारी उर्वशी। तुम्हारी उर्वशी? तुम्हारी मतलब हमारी महल की उर्वशी को परेशान कर रहा है। आप बताइए ना, अब्बा हुजूर की तलवार कहाँ है? बेटा हमें पता नहीं है अब्बा हुजूर की तलवार कहाँ है, और वैसे भी तुम अब्बा हुजूर की तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकती। अरे वो बादशाह अकबर है, उनकी तलवार है वो। अम्मी जान, वो बादशाह अकबर है तो क्या हुआ, हम भी शाही खून है और आगे चल के उनकी तलवार तक तो ताज सब हमारा ही है। अब बताइए ना अब्बा हुजूर की तलवार कहाँ है? बेटा हमें नहीं पता बेटा। उन्होंने जरूर शयन कक्ष में छुपाई होगी, क्योंकि हमने देखा है वो अपनी तलवार से ऐसे ऐसे पीठ खुजाते रहते हैं, वहीं छुपाई होगी। बेटा सलीम सुन तो, बेटा 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 मत ले, देख साहिबा, हमने हमारी उर्वशी। आपकी उर्वशी? मतलब हमने हमारे महल की उर्वशी के बारे में कुछ सोचा है। वाह, जो कोई भी आता है उर्वशी के बारे में सोचता है, और ये भी कोई सोचना हुआ? सोचना तो हमारे यहाँ हुआ करता था। हमारे यहाँ क्या हुआ करता था ये हम नहीं जानना चाहते हैं रानी साहिबा। आप ये सुनिए कि हमने क्या सोचा है। रानी साहिबा, उस नौजवान की बातों में हमें सच्चाई दिखाई देती है। वो सच में उर्वशी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और ये दोनों जन्म जन्म के साथ ही है। तो हमने अब फैसला कर लिया है कि इन दोनों का हम अब अलग नहीं होने देंगे। वाह चापना वाह। और वैसे भी हमारी कोई बेटी तो है नहीं, उर्वशी को यहाँ से विदा करेंगे, कन्या दान करेंगे तो हमें भी पुण्य मिलेगा, है ना? सही कहा आपने रानी साहिबा, उर्वशी की विदाई की तैयारियां की जाए। उर्वशी को इस महल से दुल्हन की तरह विदा करेंगे हम, दुल्हन की तरह। वाह 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 जापना। चलो चलो सलीम बेटा, हमें कपड़े खरीदने हैं, जेवर खरीदने हैं, उर्वशी की विदाई होने वाली है। अरे ये क्या ऐलान कर दिया अब्बा हुजूर आपने, जिस उर्वशी को दुल्हन बना के इस महल में लाना था उस उर्वशी को यहाँ से विदा कर रहे। अब हम क्या करें, क्या करें? हमें अपनी उर्वशी को बचाना है, लेकिन क्या करें? सोच 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 सोच